देखो बेटा, आगे की कहानी आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज न्यूक्लियस। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग? न्यूक्लियस को हम लोग आम भाषा में कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ ठीक है ना, ये बहुत लेमैन की भाषा होती है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज नहीं करते। बट क्यों इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों जरूरी होता है न्यूक्लियस, अभी हमको दृष्टि बता देगी। दृष्टि ने गलत जवाब दिया तो हम लोग पढ़ते, देखो ये है हमारा सेल। कौन है ये हमारा? दिख रहा है सेल? अच्छा बनाया, बहुत ही बढ़िया। सेल के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑन अ जनरल नोट इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, तुम्हें क्लियर क्लियर समझ में, इससे इतना बड़ा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये अपने आप में एक डबल लेड मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल लेड मेम्ब्रेन। और इस डबल लेड मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? देना, ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें दो लेयर है, इट्स अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। और इस लेयर में छोटे छोटे क्या है? छेद है। क्या है? छेद, होल्स। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या है? होल्स है। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो पोर्स। क्या कहते हैं? तो पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? इट इज अ डबल लेड मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द एंट्री। बेटा बेटा बेटा, छापने का टाइम दे दूंगी। व्हाट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? इट इज अ डबल लेड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल लेड मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर किसको जाना है, न्यूक्लियस के बाहर किसको आना है, ये कौन बताएगा हमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसा होता है ये? अपने आप में डबल लेड मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियो पोर्स। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्यों? सिर्फ एंट्री और एग्जिट फैसिलिटेट करते हैं। देख, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? सेल को और न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है, या फिर ऐसे समझे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को सेपरेट कौन कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छेद है, जो बोल रहे हैं अच्छा आप आ जाओ अंदर, ओए आप रहता ना, आया समझ में? क्लियर है बेटा? पक्का? चल, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है नहीं, दृष्टि है ना, भरोसा नहीं है, इसको कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, या जो सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड चीज रहती है, जेली लाइक चीज होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म सारे सेल के पार्ट्स को क्या करता है? संभाल के रखता है। इसके अलावा बहुत गाढ़ी और एक डेंस चीज होती है, ऐसी इस तरीके की गाढ़ी और डेंस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूक्लियोलस छोटा होता है, मतलब ऐसा बहुत डेंस स्ट्रक्चर है, गाढ़ा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका कभी कभी हम लोग, वापस बता दो। लेकिन एक मिनट बाद बताऊंगी। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे लगे हुए रहते, उलझे हुए धागे। तानिया खेल के यहीं छोड़ गई, ठीक है ना? ये क्या है? क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन। व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है क्रोमैटिन? इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इंटैंगल्ड, उलझे हुए, जैसे इसके बाद ऐसे मैंने गोल 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 घुमा दिया, ऐसा दिखेगा क्या? क्रोमैटिन। ठीक है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, ये धागे धागे नहीं, ये जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, ये कंडेंस हो जाएंगे, ये जम जाएंगे। भाई मेरे आर्टिस्ट बच्चे, ठीक है, ये जम जाएंगे और ये क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम। क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बेसिकली फैसिलिटेट सेल डिवीजन। क्रोमोसोम फैसिलिटेट सेल डिवीजन। क्रोमोसोम के बिना सेल डिवीजन होगा क्या? तो क्रोमैटिन क्या करेगा? क्रोमैटिन, व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज एन एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हां कि नहीं? जब हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने आप में क्या है, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. व्हाट इज इट? इट्स अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. सबसे पहली बात, इट्स अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ, इट सेपरेट्स द contents of cytoplasm and nucleus. तो nucleus का कोई भी सामान cytoplasm में ना जाए, cytoplasm का कोई भी सामान nucleus में ना जाए, इस बात का ध्यान कौन रखेगा? हमारा nuclear membrane. ठीक है ना. दूसरी चीज कौन सी होती है बेटा? हम लोगों ने लिखा nucleopores. क्या लिखा हम लोगों ने? nucleopores. न्यूक्लियोपोर्स का फंक्शन क्या होता है? दीज आर स्मॉल पोर्स, दीज आर स्मॉल पोर्स दैट फैसिलिटेट, दीज आर स्मॉल पोर्स दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या करेगा बेटा? इट इज अ स्मॉल dense structure present in ठीक है. ये भी कहां help करता है बेटा? at the time of cell division. ये भी कब help करता है? at the time of cell division. and last but सबसे ज्यादा important बेटा कौन सा? chromatin. chromatin क्या होता है? it is an entangled mass. it is an entangled mass of thread-like structures present in nucleus. okay, आगे की कहानी. ठीक है ना. आगे की कहानी क्या है बेटा? आगे की कहानी ये है कि हम लोगों ने बात करी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है इस तरीके से. ठीक है ना. एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना लेगा? क्रोमोसोम. क्या बना लेगा? अब सुनो मेरी बात ध्यान से. हम लोगों ने बोला कि क्रोमैटिन जो है ये सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस होके क्या बना लेगा? क्रोमोसोम. ये जो मैंने दो बनाए हैं ये क्या है बेटा? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स पे इसको बोलते हैं क्या? क्रोमैटिड्स. व्हाट आर दीस? ठीक है ना. अब ये जो ये डॉट 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 बना रही हूँ. हर एक क्रोमोसोम पे लीनियरली कौन अरेंज रहता है? जीन्स. हर एक क्रोमोसोम पे लीनियरली कौन अरेंज होता है? जीन्स. तो व्हाट डू जीन्स डू? जीन्स आर बेसिक. व्हाट आर जीन्स? दे आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम. अब मुद्दा जीन है क्या? है ना. जीन तो आ गया क्रोमैटिन. ठीक है ना. फिर बढ़ेंगे हम लोग क्या? क्रोमोसोम्स. नाउ व्हाट आर क्रोमोसोम्स? तो हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. तानिया, क्रोमोसोम्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है ना. क्रोमोसोम्स आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन
फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम पे कौन रहता है बेटा? तो हमने बोला अरे क्रोमोसोम पे तो जीन रहती है, तो मुद्दा उठता है क्या जीन क्या होती है, अरे तो बताना। तो हम लोग बोलते हैं जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जीन आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंफॉर्मेशन, दैट कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। मतलब अगले जनरेशन तक कौन सी इंफॉर्मेशन पास होगी वो कौन डिसाइड करेगा? आपका जीन डिसाइड करेगा। आ रही है बात समझ में? जिनको कंफ्यूजन हो रहा है जीन कैसा होता है, तुम लोगों ने टीवी पिक्चरों या अदरवाइज देखा होगा डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो समझो इतना सेगमेंट एक जीन है, इतना सेगमेंट दूसरा जीन है और तीसरा जीन, ठीक है ना। आया समझ में? तो जीन्स आर नथिंग बट देयर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या है? तो पहले तो हम बोलेंगे बेटा क्या है, ये जानने के पहले फुल फॉर्म तो पता कर लो। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ये सी है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन From parents to offspring, from parents to offsprings. Mom, मेरा एक doubt था, ठीक है ना। It provides information. It provides information for synthesis of. For synthesis of. Various parts of a cell. तो cell के जो अलग अलग part हैं उनको बनाने के लिए कैसे information चाहिए या कैसे बनाना है, वो सारी information क्या होता है? DNA के पास होती है। Is it clear to everyone? बचपन में सुना होगा क्या, ये मम्मी पे गई, पापा पे गई, बुआ पे गई, नाना पे गई, नानी पे गई, मासी पे गया, A to Z। बहुत सारे लोग, बंदा चला जाता है, बंदा कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। इसका मतलब मेरी बॉडी में जो आंखों वाला जीन होगा वो किसका डोमिनेंट है? मेरी मम्मी का। पापा का भी हो सकता है, मम्मी हुआ, बाल पापा पे गए थे, ऐसे मेरे नहीं, वरना सफेद बचपन से हो जाते। तो अगर बाल पापा पे गए तो क्या हुआ? मतलब जीन बालों का पापा ने भी दिया होगा, मम्मी ने भी दिया होगा, लेकिन किसका आ गया? ज्यादा किसका? पापा। ज्यादा का नहीं, दोनों में से किसकी चली? पापा के जीन की चली कि मम्मी के जीन की चली? तो बोलेंगे अगर पापा की जीन की चली तो फिर आपके बाल वैसे हो जाएंगे। फिर मुद्दा मन में उठता है यार ये भाई बहन और बुआ बुआ कहाँ से घुसाते बीच में, है ना। तो बेटा पापा की बॉडी में दादा दादी के जीन्स आए थे और वो जीन्स हमारे इसमें ट्रांसफर हुए। अब हो सकता है वो पापा की बॉडी में एक्टिव ना हो पाए लेकिन हमारी बॉडी में आके एक्टिव हो गए, लेकिन बुआ की बॉडी में भी सेम दादा दादी के जीन्स एक्टिव हुए। समझ में आ रहा है? सिमिलर इज द केस ऑफ नाना नानी। नाना नानी ने मम्मी को भी जीन्स दिए, मासी को भी दिए और मामा को भी दिए। अब मम्मी की बॉडी में हो सकता है वो सारे जीन्स क्या नहीं हो पाए, एक्सप्रेस ना हो पाए, लेकिन मामा में हो गए और मेरे में भी हो गए। तो आई एम लाइक माय मामा मासी वट एवर एज द केस में भी। क्या इतनी कहानी सबको समझ में आई जीन और डीएनए की? Based on type of nucleus, organisms can be classified into two types of organisms. ठीक है ना? कि आपके अंदर कैसा nucleus है, ठीक है ना? अगर पुराने जमाने का, पुराने type का nucleus है तो उस